नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए नौकरी का मिला सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल ने कई पदों पर रिक्तियां निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पदों पर भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रामीण डाक सेवा के 634 पद के लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2020 तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही ध्यान रहे कि 10वीं में मैथ, स्थानीय भाषा और इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। बिहार के बोधगया में तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट बोधगया में एक स्मारिका खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह है। शहर के केंद्र में स्थित यह बाजार ऊनी वस्त्र, बौद्ध स्मृति चिन्ह और विभिन्न कलाकृतियों और सहायक उपकरण का एक रंगीन प्रदर्शन है। इस बाजार की यात्रा कभी उबाऊ नहीं होती है। यहाँ पर कुछ न कुछ लोग जरूर यहाँ से खरीद कर जाते हैं। इसके साथ ही केवल तिब्बती आस्था के विभिन्न हस्तकला लेखों को देख कर 1-2 घंटे बिताए जा सकते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, चंदन धातु और विभिन्न प्रकार की सामग्री में उपलब्ध है। सभी दुकानें ज्यादातर तिब्बती संस्कृति से संबंधित लोगों द्वारा चलाई जाती है। दुकानदारों के साथ साथ सौदेबाजी एक मजेदार गतिविधि है जो विक्रेताओं और खरीदार दोनों को पसंद आती है। राजधानी की सीमाएं हुई सील। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजधानी पटना में भी चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। इसको लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना होकर काम कर रही है, जिसके बाद बाहरी जिलों से संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए मतदान से 48 घंटे पहले यानी कि शनिवार रात 12 बजे से ही पटना जिले की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। सीमा बंद होने के बाद बनाए गए 66 चेक पोस्ट से होकर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी और वाहनों की जाँच भी करवाई जा रही है। इसके लिए SSP उपेंद्र शर्मा की तरफ से चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,17,000 के पार। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन हर दिन पॉजिटिव मामले लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 777 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,17,541 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 16, औरंगाबाद में 14, बांका में 12, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 15, भोजपुर में 13, बक्सर में 5, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 18, गया में 28, गोपालगंज में 12, जमुई में 9, जहानाबाद में 25, कैमूर में 7, कटिहार में 5, खगड़िया में 1, किशनगंज में 9, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 13, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 38, नालंदा में 19, नवादा में 17, पटना में 274, पूर्णिया में 12, रोहतास में 9, सहरसा में 14, समस्तीपुर में 22, सारण में 28, शेखपुरा में 10, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 8, सुपौल में 24, वैशाली में 9, पश्चिम चंपारण में 15 मामले सामने आए हैं। 94 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में सफलतापूर्वक वोटिंग के बाद दूसरे चरण के तहत जिन 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, वहां चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने जमकर चुनावी रैलियों का संबोधन किया। 17 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1463 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। दूसरे चरण में कुल मिलाकर 1316 पुरुष उम्मीदवार है, वहीं 146 महिला और एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें, जिन विधानसभा क्षेत्रों में 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी, वहां बीते दिन 4 बजे ही चुनाव प्रचार को खत्म कर दिया गया, जबकि जिन सीटों पर 6 बजे तक मतदान होने हैं, वहां 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार को रोक दिया गया, जिसके बाद अब सभी लोग व्यक्तिगत जनसंपर्क ही कर पाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति का जन्म बिहार और भारत के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिला भी कहा जाता है। इसके साथ ही वो एक मैथिली और संस्कृत कवि लेखक थे। विद्यापति का प्रभाव सिर्फ मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी साहित्यिक परंपराओं तक भी सीमित था। विद्यापति के समय की भाषा जो प्राकृतिक व्युत्पन्न स्वर्गीय आहत थी, अभी पूर्व भाषाओं जैसे मैथिली, भोजपुरी आदि के प्रारंभिक संस्कारों में परिवर्तित होना शुरू हुई थी। इस प्रकार विद्यापति के इन भाषाओं को बनाने के प्रभाव को इसके अनुरूप बताया गया है।
चुनाव के बाद बिहार में फिर की जाएगी डोर टू डोर कोविड 19 मरीजों की स्क्रीनिंग। कोविड 19 के माहौल में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं चुनाव के दौरान लोगों की मनमानी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। जनसभा में लोग बेकाबू नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव के बाद सरकार ने एक बार फिर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाने की बात कही है, ताकि चेन को तोड़ा जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही हर PHC में जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे जांच कराने की जरूरत महसूस होती है वो आसानी से जांच करवा सके। स्मार्ट मीटर रिचार्ज होते ही तुरंत आ जाएगी बिजली। स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली के लिए घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी मीटर को नए मोबाइल तकनीक से लैस कर रही है। यह तकनीक मीटर के नेटवर्क को कमजोर नहीं पड़ने देगी। इसके साथ ही मीटर को 24 घंटे पूरा नेटवर्क मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं का मीटर रिचार्ज होते ही जल्द ही बिजली बहाल हो जाएगी। इसी पर तेजी से काम चल रहा है। सभी मीटरों को इस तकनीक से लैस किया जा रहा है। दरअसल स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के बाद भी दो दिन बिजली बहाल होने की दर्जनों शिकायतें आती रही हैं। इसके लिए बिजली कंपनी ने मीटर टेस्टिंग का काम शुरू किया है और नेटवर्क की गड़बड़ी सामने आई है। समस्तीपुर से होकर गुजरेगी नई 4-लेन रोड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने संबोधन में समस्तीपुर से 4-लेन रोड निकालने की बात कही है। इतना ही नहीं, समस्तीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की, साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया। नीतीश कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर बरौनी से होते हुए समस्तीपुर के लिए 4-लेन रोड को अब केंद्र सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश के विकास के लिए काम किया है, बिहार के विकास के लिए भी काफी सहायता की है। जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने समाज के हर तबके का विकास करने की कोशिश की है। इस बार उम्मीद है कि जनता उन्हें ही वोट देकर भारी मतों से जीत दिलवाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में 2 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। आइए जानते हैं 2 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसकी शुरुआत 1534 को हुई। 1965 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 2012 में भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ श्री रामशंकर अभ्यंकर ने दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कह दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने 10 नवंबर को भाजपा के साथ मिलकर तेजस्वी की सरकार बनने का किया दावा। बिहार में दल बदल की राजनीति लगातार देखने को मिलती है। चुनाव आते ही पिछड़ा सब भूल कर कई दल सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन करते नजर आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके तहत बीते दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुशवाहा ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 10 नवंबर को राजद और भाजपा मिलकर सरकार बनाएंगे। कुशवाहा ने कहा कि दोनों दलों के बीच साठगांठ हो चुकी है, सभी लोग इस बात को 10 नवंबर को देखेंगे कि क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी पूछा कि तेजस्वी यादव के दावों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इतने चुप क्यों है, यह सब एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। चुनावी रैलियों से दूर रही मायावती ने अलग अंदाज में मांगा समर्थन। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में जनता से अनोखे अंदाज में समर्थन मांगा है, जिसके तहत रविवार को अलग अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट के जरिए बिहार की जनता से उन्होंने समर्थन की मांग की। उन्होंने ट्वीट के जरिए ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए बसपा को वोट की अपील की। मायावती ने कहा कि बिहार विधानसभा आम चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण में 94 सीटों पर प्रचार की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, साथ ही 3 नवंबर को मतदान पर समग्र ध्यान केंद्रित है। मतदाताओं से अपील है कि उन्होंने जदयू और राजद गठबंधन की सरकार को बहुत आजमाया है, अब हमारे नए गठबंधन को एक मौका जरूर दे। आपको बता दें, बसपा बिहार में 80 सीटों पर मैदान उतर रही है और वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोक समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है। कन्हैया कुमार ने जेपी नड्डा और चिराग के मिले होने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे और तीसरे चरण के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया बिहार में तेजी से देखी जा रही है। वहीं पूर्णिया जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान होना है। इसी को लेकर भाजपा नेता कन्हैया कुमार ने रुपौली विधानसभा के CPI प्रत्याशी विकास चंद्र मंडल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कन्हैया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार कहती है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उसके खजाने में पैसे नहीं है, तो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर क्या सरकार अपने नाना के घर से उड़ा रही है। नीतीश कुमार जिस दिन भाजपा से मिले, उसी दिन भाजपा ने उन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली थी। जेपी नड्डा चिराग जलाकर जदयू के खिलाफ गड्ढा खोद रहे हैं। जनता के टैक्स से सरकार जनता को ही गुमराह कर रही है, लेकिन इस बार जनता इसके झांसे में नहीं आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक के बाद एक की ताबड़तोड़ कई रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के तहत एक के बाद एक रैली करते नजर आए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, मगर डबल डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने में लगे हुए हैं। यह डबल युवराज बिहार की जनता के लिए यह कभी नहीं सोच सकते। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण में जनसभा का संबोधन करते हुए उन्होंने पूछा कि जंगल राज वालों की चिंता है, उनकी तिजोरी अधिक से अधिक कैसे भरे, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता को लूटने का काम पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बगहा विधानसभा में बोला कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को कोई भी नहीं भूलेगा। मैं वादा करता हूं कि जनता से लूटी गई पाई पाई सबको वापस दिलवाऊंगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से फिर पूछे सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर खूब निशाना साधा था, जिसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मोतिहारी के चुनावी सभा में कहा था कि वो मोतिहारी के चीनी मिल को शुरू करवा अगली बार मोतिहारी आवागमन पर उसमें बनी चीनी की चाय पियेंगे। प्रधानमंत्री जी आज 6 साल बाद मोतिहारी आए, लेकिन उस बंद चीनी मिल एवं चाय के बारे में कुछ नहीं बोले। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने पहले किए गए ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% पर पहुंचने का भी कारण पूछा। साथ ही हर दूसरे घर से पलायन होने के कारण को भी पूछते हुए उन्होंने निशाना साधा था। हल्फनामे में तेजस्वी की तरफ से जमीन की जानकारी नहीं देने का किया गया दावा। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में एक भी नेता कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे विपक्षियों पर निशाना साधने का। इसी क्रम में जदयू मंत्री नीरज कुमार ने जमीन को लेकर एक बार फिर से लालू परिवार को निशाने पर लिया। खासकर तेजस्वी यादव पर हल्फनामे में जमीन को छिपाने के आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सलार केला और फुलवरिया में जो जमीन है उसे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपने हल्फनामे में नहीं दिखाया है। लालू परिवार का नहीं जमीन हथियाने और जमीन लिखवाने का है। उन्होंने कहा एक तरफ वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लालू परिवार का रोजगार था उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने बिहार के कूड़े के ढेर पर आने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाला ने प्रेस वार्ता कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार की जमीन जलवायु को प्रदूषित किया है। राजधानी का अगर ऐसा हाल है तो बाकी शहरों का हाल जाना जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इस बात का खुलासा हुआ है कि बिहार कूड़े के ढेर पर है। बिहार के सारे शहर 255 नंबर के बाद ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। एनजीटी ने कूड़ा कचरा के मामले में इमरजेंसी की स्थिति बताई है। बिहार के पानी में 40% आर्सेनिक है और पानी में 35,000 बायोमेडिकल वेस्ट फेंक दिया गया है। रणदीप सुरजवाला ने आगे कहा कि नमामि गंगे की परियोजना ठप हो गई है। पप्पू यादव ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर साधा निशाना। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दोनों युवराज कहां गायब हो गए थे। उस कठिन परिस्थिति में मैंने और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाखों जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम किया है। हमारी प्रतिज्ञा रोजगार और गरीबों को सम्मान देने की है। हम जाति धर्म के भेदभाव को खत्म कर समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। सरकार में आने के 2 साल के अंदर सभी गरीब परिवारों को 1 BHK का फ्लैट भी देंगे। युवाओं को बिना ब्याज का 10 लाख तक का ऋण भी दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद का व्यापार शुरू कर सके। जदयू ने एनडीए में चिराग की वापसी को बताया असंभव। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर जाने का फैसला किया है, वहीं अब उनके वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने दावा किया है कि बिहार चुनाव के बाद भी एनडीए में चिराग पासवान की वापसी नहीं होगी। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश के खिलाफ बोलने के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं होने वाले हैं, यह बात पूरी तरीके से तय है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व के आगे चिराग की चुनौती साबित होने वाली है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है और इसलिए बिहार की जनता एक बार फिर से उन्हें ही चुनेगी। निरहुआ की सभा में सेल्फी के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू। बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का जलवा बरकरार है। मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन और अमीषा पटेल तक चुनाव प्रचार का हिस्सा बनते देखे गए हैं। इसी क्रम में रक्सौल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे भोजपुरी स्टार दिनेश लाल
यादव उर्फ निरहुआ ने भी जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की मांग की। इसी दौरान निरहुआ की एक झलक पाने के लिए और सेल्फी लेने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक पहुंचते देखे गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस भी बेकाबू भीड़ को नहीं रोक पाई। वीडियो और सेल्फी बनाने के बीच लोगों की होड़ ऐसी मची कि इस चक्कर में पंडाल की कई कुर्सियां लोगों ने तोड़ डाली। बेकाबू भीड़ को देखते हुए निरहुआ 5 मिनट में ही संबोधन खत्म करके वहां से चले गए। बुजुर्गों को भी हर महीने मुफ्त अनाज देने की अवधि बढ़ी। भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक राशन कार्ड है, इसलिए इसके जरिए सरकार को कोई सब्सिडी के तहत अनाज मुहैया करवाती है। इसके साथ ही सरकार ने कोविड-19 के माहौल में इसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए देशों के लाखों गरीबों में नवम्बर तक मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जारी होने वाले राशन कार्ड में देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है। यह राशन कार्ड बुजुर्गों को कई तरह के फायदे पहुंचाती है। राज्य सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड बनवाने से लेकर उसमें से नाम कटवाने तक की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके साथ ही जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है लेकिन वो इसके बाद उन्हें राशन कार्ड के जरिए हर महीने मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाने का नियम है। सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने मुफ्त में अनाज देने की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 6 किलो गेहूं और 4 किलो अनाज दिया जाता है। जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी ने दी बड़ी खुशखबरी। भले ही महेंद्र सिंह धोनी प्लेऑफ से बाहर हो गए हैं, वहीं बीते दिन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स का अंतिम मैच देखने को मिला, जिसके बाद विजेता रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के लिए आईपीएल 2020 का सीजन कुछ खास नहीं गया है। टीम अंतिम पर रही तो महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ खास खेल नहीं सके। आईपीएल 2020 से कुछ दिनों पहले ही एमएस धोनी ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, जहां पिछले कई महीनों से वो क्रिकेट से भी काफी दूर थे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के प्ले ऑफ से बाहर होने के बाद प्रेजेंटर डैनी मॉरिसन ने महेंद्र सिंह धोनी से सवाल किया कि क्या आपका पीली जर्सी में यह अंतिम मैच है। इस पर कैप्टन कूल ने कहा बिल्कुल नहीं, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने यह साफ कह दिया कि 2021 आईपीएल सीजन में भी वो चेन्नई सुपर किंग्स खेलते नजर आएंगे। अक्षय की फिल्म लक्ष्मी के टाइटल बदले जाने पर मुकेश खन्ना ने दी अपनी प्रतिक्रिया। अभिनेता मुकेश खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का नाम बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस फिल्म के नाम को लेकर उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई थी। वहीं अक्षय की फिल्म का टाइटल बदलकर सिर्फ लक्ष्मी अब रख दिया गया है, जिसके बाद मुकेश खन्ना ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए पोस्ट लिखा, हमारे देश और देश के लिए जागरूक देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि इस फिल्म का टाइटल बदलकर सिर्फ लक्ष्मी कर दिया गया है, पर इससे भी बढ़कर खुशी इस बात की है कि इतिहास में यह एक उदाहरण बन जाएगा। आगे कोई प्रोड्यूसर इस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मित्रो टीवी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर ऐप्स। इस साल के शुरुआत में लॉन्च किए गए भारतीय वीडियो मेकिंग ऐप मित्रो टीवी ने आत्मनिर्भर ऐप्स को लॉन्च किया है। इस ऐप में आपको सभी भारतीय ऐप्स मिल जाएंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। इस ऐप में आपकी बिजनेस, ई लर्निंग, न्यूज, हेल्थ, शॉपिंग, गेम्स, एंटरटेनमेंट और सोशल जैसी कई ऐप्स इंडियन ऐप्स मिल जाएंगे। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका उद्देश्य बहुत अधिक उपयोगकर्ता को भारत में बने ऐप्स तक पहुंचाना है, जिनका उपयोग सेवाओं और आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। यह ऐप विभिन्न कैटेगरीज में सजेशन भी देता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,960 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,960 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 60,100 रुपए प्रति किलो था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार बबलू, कुमार प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंद किशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अजीत मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल के 13वें संस्करण में कौन कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।